हाँ जी लो सर, कैमरा स्टॉप है सर, अभी से नहीं होगा सर। सर प्लीज एक चांस दो सर। सर सर सुनो मेरी बात तो सुनो सर, रिक्वेस्ट है सर। सर एक बात सुनो मेरी, लो सर लाइसेंस ले लो सर, लाइसेंस ले लो सर, लाइसेंस ले लो। हाँ भाई आजा यार, भाई यहाँ पीछे ना अभी पैराग्लाइडिंग करा था एक बंदा, तो भाई वो बंदा ऊपर से गिरा और यहाँ पे उसको ज्यादा लगी हुई है। अभी एम्बुलेंस आई है उसको लेने के लिए, और यहाँ पे रुक नहीं सकते जैसे ये लड़का रुका है। भाई यहाँ पे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। भाई फाइनली वी रीच दैट अटल टनल, ये मेरे पीछे है अटल टनल। दो लोग और मिले हमें अहमदाबाद से हैं, जो वो स्प्लेंडर से आए हैं, और भाई स्प्लेंडर से लद्दाख कर रहे हैं। ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई में भी दम है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलांग वैली। मेरे पीछे का व्यू देखो आप, ग्रीन माउंटेन्स के पीछे स्नो माउंटेन्स, ये देखो ओए होए होए होए। और रात को हमने इसी जगह पे कैंपिंग की थी, और अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा सारा सामान पैक कर रहे हैं। पूछ लेते हैं पांडे भाई और मोहित भाई से भी, उनको नींद कैसी है रात को। गुड मॉर्निंग ब्रो। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रो। एक सेकंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, बता पहले तू बता कि रात को नींद कैसी आई। नींद का तो सीन ही है कि सारा दिन राइड करके तो थकने के बाद अक्सर नींद अच्छी आती है। कोई भी मेहनती इंसान है अगर वो मतलब राइड या कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो नींद मतलब सुहानी आती है। जबकि नींद तब आती है जब मन को शांति मिलती है, ये प्रैक्टिकली है। आपका रात्रि में मन यदि भटक रहा है तो नींद नहीं आएगी। सिंपल बता दो वर्ड्स में नींद कैसी आई। नींद भाई साहब गजब, गजब अल्टीमेट, अल्टीमेट। और सुबह सुनो सुनो सुनो, जो सुबह मैं उठ के मैंने देखा ना, मेरी आंख फटी की फटी रह गई। क्या व्यू था, क्या व्यू था, मैं कह रहा हूँ देखने लायक। जो लोकेशन थी ना सुबह उठी, रात को यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, हमें नहीं पता था कहाँ पे हम लगा रहे हैं। लेकिन सुबह उठ के भाई जिस टाइम चैन खोलते ही ना भाई आंखें नू खुली रहेगी भाई, ये नजारा। और बताओ नींद कैसी आई आपको। जबरदस्त आई भाई, थकावट हो रही थी ना तो नींद तो आनी थी यार। भाई हमारे पास ना दो बंदों वाला टेंट था, ठीक है, जिसमें दो बंदे, तीन बंदे और सामान। यस यस, तो देख रहे हो बहुत बहुत ऐसे नेक्स्ट लेवल वाला सिस्टम चल रहा है हमारे। और जिनको नहीं पता कि हम कहां से हैं और कहां जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आज डेट है 24 मई 2022, और ये हमारे लद्दाख राइड का डे 3 है। हम पहले दिन आए थे हिसार से पंडो, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। फिर हम सेकंड डे आए थे पंडो से सोलांग, और आज हमारा रूट है जो सोलांग वैली से जिस्पा। और मुझे इस राइड पे ज्वाइन किया हुआ है मोहित भाई ने और पांडे भाई ने। और हमने सोलांग वैली में कैंपिंग करने का क्यों सोचा कि यहाँ पे एक तो लोग कम है, और मनाली में ना भाई बहुत भीड़, बहुत जनता आई हुई है, इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है ना मनाली इस टाइम पे। मनाली वैसे आ जाओ, लेकिन ऐसे कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए तो भाई ये जगह ठीक है सोलांग वैली। और जो सोलांग वैली है मनाली से 11 किलोमीटर आगे, और सी लेवल से ये 8400 फीट ऊपर है। सोलांग वैली किस चीज़ के लिए फेमस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे ना एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि मनाली में जितने टूरिस्ट आते हैं ना, वो यहाँ सोलांग वैली जरूर आते हैं एक बार कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करने के लिए। जैसे यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग होती है, पैराशूटिंग होती है, स्कीइंग होती है, ट्रैकिंग होती है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पे आके इन्जॉय करते हैं। भाई तो 200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते भाई 500 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते आज हमारा। और अगर आप लोग भी मनाली आते हैं तो आप भी सोलांग वैली आ सकते हो, अगर आपको इन सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना है तो। वैसे तो हम एक्टिविटी यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमें तो आगे जाना है ना, और हमारा जो आज का डेस्टिनेशन जैसे मैंने आपको बताया सोलांग वैली से जिस्पा, जो कि है 81 किलोमीटर, और 81 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें लगेंगे 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम ब्रेक ले के जाएंगे, क्योंकि हमें वीडियो बनानी होती है ना भाई। रास्ते में जो जो आएगा अच्छा अच्छा आपको दिखाएंगे। और अभी यहाँ से बस सामान पैक करने के बाद हम निकलेंगे, और सबसे पहला जो डेस्टिनेशन आने वाली है ना हमारी, वो है अटल टनल। तो मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे, सीधा चलेंगे हम अटल टनल, उसके बाद आगे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हम पूरा जिस पर तक कवर करेंगे आज। भाई यहाँ पीछे ना अभी पैराग्लाइडिंग करा था एक बंदा, तो भाई वो बंदा ऊपर से गिरा और यहाँ पे उसको ज्यादा लगी हुई है। अभी एम्बुलेंस आई है उसको लेने के लिए। भाई सोलांग वैली में एडवेंचर करते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह है। यहाँ पे एक ये ATV भी है, बार बंद करना भाई, एक बार बंद करो, आवाज़ आएगी इसकी। तो ये है ATV, तो इसका क्या प्राइस रहता है। प्राइस इसके राइडिंग के हिसाब से रहते हैं ना, शॉर्ट हाई। अच्छा, मतलब मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है। 1000 से। और मैक्सिमम कितना। 1500 तक। ठीक है, मतलब सेल्फ राइड करनी हो तो 1500, यही बता रहा था एक भाई तो। और अगर आपके साथ करेंगे तो 1000 रुपये। ठीक है, एक बार चला के देखें यहाँ तक। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा, इसका ये गियर है, ये है पार्किंग का। हाँ जी, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल हाई लो। अच्छा, अगर आप ढलान पे जा रहे हैं तो लो, और ऊपर जा रहे हैं तो हाई।
ठीक है ठीक है। और ब्रेक कहाँ है इसकी? ठीक है, पलटे पलटे की तो नहीं ना ये? ठीक है, इसमें गियर वेयर नहीं लगते? अच्छा, इसको नीचे की तरह ऐसे जाऊँ? अरे तो अजीब है थोड़ी सी चलाने में इसकी भाई साहब। ये पहाड़ों पर मतलब स्नो वनो में भी चलती है? भाई ये तो ना चल रही मेरे से। अब इसको पीछे मोड़ना हो तो उस साइड लेना हो तो ये रिवर्स में डाला ये भाई साहब, कर दी तुम्हारे भाई ने बैक। तो अब इसको डाल देंगे लो पे, डाल दूँ ना? ये देखो भाई, ये करेगा एक साइड बैठ के कर देगा भाई। तो ये देखो, ये देखो, वाह नाइस। ये लगाया गियर रिवर्स का, अब ये लगाया इसने गियर भाई लो, हाई सॉरी हाई है, हाई। चढ़ान पे चढ़ना हो तो हाई कर देते हैं हम इसको, अगर कम या ढलान चल रही हो या कम हो चढ़ाई तो लो पे चढ़ा सकते हैं इसको हम। अभी इसको अपन लो पे चलाएंगे क्योंकि हाई पे पा तो नहीं चला सकते भाई। और इसकी की गाइस जो जी है ना एस्केलेटर यहाँ से नहीं, यहाँ से चलता है। पाँच सौ पचास सीसी का इंजन इसका, और इसकी स्पीड कितनी चल जाती है मैक्सिमम? आपने कितनी खींची है इसको? मैं तो इसकी भाई 100 तक खींची है। और जाती कितने तक है? 100 से भी ऊपर जाती है? 100 से ऊपर जाती है। अच्छा जी, और कितने की आती है ये एटीवी? यहाँ तक कंप्लीटली 10 तक पहुँच जाती है। 10 लाख रुपये तक? भाई साहब बहुत महंगी है यार ये तो। लो आ जाओ, आप चलाओ भाई, हमें अपने लाला तक छोड़ दो। ये कर दिया भाई ने बैक ऐसे ही। चलो भाई, आपका नाम क्या भाई? आनंद। आनंद करके जानते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे इसके लिए तो? तो नंबर ले लो, मेरा नंबर बोल दो, पता लग जाएगा इन लोगों को। 7865 58429। ठीक है, मेरे कहने से कोई आएगा तो डिस्काउंट देना उसको जरूर आपने। बिल्कुल दे देंगे। ठीक है चलो, ओके ठीक है भाई। एटीवीज भी चला के देख ली मैंने, कभी चलाई नहीं थी लेकिन मुझे चली नहीं सही। भाई अभी टाइम हो गया 10:30, अभी हम निकल रहे हैं जिस्पा के लिए। इस जगह से लेते हैं अलविदा, यहाँ पे हमने रात को कैंप किया था, और अभी तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं क्योंकि यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, एटीवी राइड होती है, और ट्रैक जाता है यहाँ से तो बहुत सारा। देखो रोप वे भी जा रही है वहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं एडवेंचर करने के लिए। और ये हमने कल लिया था मनाली से फ्लैग, और इस मंत्र पे लिखा है ओम माइन पद्मे हुन, जिसका मतलब है पीस, शांति। क्योंकि जो तिब्बतियन लोग होते हैं ना, जैसे जो मोंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं ना। वो देखो पैराग्लाइडिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं नीचे, लैंडिंग हो रही है। जैसे अभी वो लैंडिंग हो रही है ना भाई, सुबह सुबह एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, नीचे पैर ऊपर उठाने होते हैं लैंडिंग के टाइम पे, लेकिन इस बंदे ने पैर ऊपर नहीं उठाए और वो पैर टूट गए उसके। 1 2 3 हर हर महादेव। चल भाई, चलो भाई सोलांग वैली से लेते हैं बलविदा। अब हम चलते हैं अपने नई मंजिल पर, जिसका सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। लेह लद्दाख जा रहे हैं हम, और ख़ुद की बाइक से जा रहा हूँ भाई। सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार जा रहा हूँ और पहली बार ही खुद की बाइक लेकर जा रहा हूँ। और भाई ये फ्लैग कितने अच्छे लग रहे हैं ना लगे हुए, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये फ्लैग। तो भाई आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि जो बाइक्स पे फ्लैग लगाए जाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। ये जैसे ही आप सोलांग वैली क्रॉस करोगे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा, उसके बाद ये हसीन वादियाँ शुरू हो जाती हैं। ओए होए होए होए। और मौसम की बात करो तो भाई मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रखा है, मीठा मीठा। हमारी बाइक बता रही है कि 26 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है इस टाइम पे, और भाई आज मौसम भी ख़राब लग रहा है। तो जिस पर जितनी जल्दी हो सके हम पहुँचेंगे, अभी टाइम हो गया है पूरे पूरे 11। लो जी यहाँ से शुरू होता है BRO वेलकम्स यू, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
भाई जो बीआरओ ने काम किया ना भाई इन पहाड़ों पे रोड्स बनाना भाई बहुत बहुत बड़ा टास्क बीआरओ ने कंप्लीट किया है। हम जैसे लोगों को, हम ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को ऐसे रोड्स प्रोवाइड किए हैं बीआरओ ने कि हम आगे जाके ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे पहले कोई भी ट्रैवल नहीं कर। तो बिग शाउट आउट टू बीआरओ। और जो बीआरओ है उसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारा आर्मी का एरिया शुरू होता है यहाँ से। जितने भी रोड्स यहाँ से बने हुए हैं ना वो आर्मी वालों ने बनाए हैं, नॉर्मल किसी कंपनी ने नहीं बनाई ये रोड। प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स भाई, पहाड़ों पे आते हो तो ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि भाई पता नहीं लगता कब कैसी मिस हैपनिंग हो जाए, इसीलिए भाई अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है इधर पहाड़ों पे। और वो देखो एक साइड तो है पूरे ग्रीन माउंटेंस, वहाँ पे देखो वो है वाइट माउंटेन भाई, स्नो माउंटेंस को मैं ऐसे बोलता था कि भाई किसी ने ना जैसे बर्फ़ की चादर ही बिछा दी हो। मैं भी पीछे केदारगंठा गया था, जिसने देखी है वो वीडियोस और वो समझ गया था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था वहाँ पे कि भाई किसी ने बर्फ़ की चादर बिछा दी, और यहाँ पे ग्रीन माउंटेंस देख के ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने यहाँ पे ग्रीन चादर बिछा दी हो पहाड़ों पे। भाई बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है यहाँ के। वहाँ से एक छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है पहाड़ के ऊपर, आप नहीं देख पाओगे गोप्रो से, लेकिन मुझे दिख गया। हाँ भाई आजा यार। भाई वैसे मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ अभी, तुम सेल्फी लोगे मेरे साथ। कौन से ट्रैक कर रहे हो? मनाली। मनाली से कहाँ की? ब्यास कुंड। अच्छा कितने किलोमीटर का ट्रैक होता है ये? 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। कितने दिन का ट्रैक है? चार पाँच दिन। चलो भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप किधर जा रहे हो? हम तो ले जा रहे हैं भाई लद्दाख। चलो ओके ऑल द बेस्ट। ठीक है मेरे भाई, ओके भाई थैंक यू। ओके भाई अटल टनल यहाँ से रह गई है 2 किलोमीटर और ले यहाँ से है 411 किलोमीटर। मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अटल टनल को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक अटल टनल आया नहीं, और मैंने बहुत सुना भाई अटल टनल के बारे में। जब ये ओपन हुई थी ना भाई अटल टनल, तो इसकी भाई बहुत हाइप थी, लोगों में चर्चे थे इस अटल टनल के। और आज हम खुद देखेंगे अटल टनल को, खुद क्रॉस करेंगे अटल टनल को अपनी बाइक से। ये देखो वहाँ से कहीं से ऊपर से आ रहा है ये वाटरफॉल, लेकिन अभी ये जमा हुआ है, पूरा स्नो बनी हुई है पानी की। और सामने देखो भाई बादल, लेकिन यार मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, थोड़ा जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा हमें। ये देखो कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं ना। वेलकम टू द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। 10,000 फीट पे अभी हम लोग आ गए हैं, और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट टनल है जिसका नाम है अटल टनल। अटल टनल रोहतांग 1 किलोमीटर। यस ये रही अटल टनल रोहतांग की एंट्री। ओ भाई मुझे तो गूज़बम्स आ गए देख के। अभी हम लोग हैं 10,040 फीट पे, ये है अटल टनल रोहतांग। एंट्री पॉइंट पे ही चेकिंग हो रही है। जय हिंद सर। बढ़िया आप कैसे हैं? हाँ जी नहीं नहीं नहीं, वो हमें पता था, हम लेके नहीं आए, वो आगे टांडी से भरवाएंगे। लो जी यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है। ओ हो हो, वो देखो भाई साहब सामने। ओहू लो भाई हो गए हम एंटर अटल टनल में। यहाँ की स्पीड लिमिट है 40। ओ भाई साहब, और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट लाइटर, मतलब यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी नहीं कर सकते। जितना भी आप एक्स्ट्रा फ्यूल जेरिकन में कैरी करके आते हैं वो आपको अपने टैंक में डालना पड़ेगा या आपको खिंडाना पड़ेगा, क्योंकि अटल टनल के अंदर आप नहीं लेके जा सकते किसी भी एक्सप्लोजिव चीज़ को। और यहाँ पे रुक नहीं सकते, जैसे ये लड़का रुका है भाई, यहाँ पे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है भाई। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट रोड टनल है 10,040 फीट पे, और इस टनल को भाई रोहतांग टनल भी कहते हैं। और जब ये टनल नहीं थी ना भाई, उससे पहले लोगों को रोहतांग होके जाना पड़ता था, और रोहतांग होके जाने से ना भाई लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता, बहुत ट्रैफिक से फाइट करके आप इस पार से उस पार जा पाते थे। लेकिन इस टनल के होने के बाद आने जाने में बहुत सहूलियत मिली है। तो बिग शाउट आउट टू बीआरओ। और भाई ये टनल है 9.2 किलोमीटर की, और इस टनल का काम शुरू हुआ था 2008 में बनना, और 12-13 साल के बाद दिसंबर 2020 को इस टनल की ओपनिंग हो गई थी। और भाई जो इस टनल का नाम है ना अटल टनल, इसका जो नाम है वो दिया गया है हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे ये टनल है, और उन्होंने ही इसका सारा काम शुरू करवाया था। और भाई बाहर से थोड़ा कम है इसका टेम्परेचर, बाहर था 24 शायद 23 डिग्री, और यहाँ पे हो गया है 19 डिग्री टेम्परेचर। और भाई यहाँ हर 100 मीटर 150 मीटर के बाद ना आग बुझाने के लिए यहाँ पे सब सिस्टम लगाया हुआ है, और यहाँ पे फ़ोन वोन भी दिया हुआ है, सायरन अलार्म भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है आपको तो आप इन बटन पे क्लिक करेंगे तो सायरन बजेगा, और जो यहाँ की सारा मैनेजमेंट संभालता है, जो यहाँ की टीम है, वो आपको हेल्प करने के लिए पहुँच जाएगी।
एग्जिट ले रहे हैं टनल से, और 9.2 किलोमीटर की टनल थी, पता ही नहीं लगा 9 किलोमीटर की टनल कब क्रॉस हो गई। यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक और कराते हैं फोटोज क्लिक। ये देखो वो साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल है। वहाँ से 10,040 फीट थी, यहाँ से 10,075 फीट है, 35 फीट और ऊपर आ गए अभी हम। भाई फाइनली वी रीच दैट अटल टनल, ये मेरे पीछे है अटल टनल। दो लोग और मिले हमें अहमदाबाद से हैं, जो वो स्प्लेंडर से आए हैं, और भाई स्प्लेंडर से लद्दाख कर रहे हैं। क्या बात है साथ में भाई, क्या नाम है भाई आपका? राहुल सिंह। अहमदाबाद से? अहमदाबाद गुजरात से। राहुल कुमार। राहुल भाई, राहुल राहुल राइड के अलावा आपने और कहाँ का राइड किया? ये मेरी फर्स्ट राइड है। अच्छा फर्स्ट राइड है, ओके। चलो भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हर बंदे का सपना होता है यहाँ आना, और भाई लोगों का भी सपना था, और स्प्लेंडर पे सक्सेसफुली होएगा। हम लाए देखो हिमालयन MT-15 अपाचे भाई। थैंक यू। और भाई इधर हमने फोटोज क्लिक करा ली हैं अपनी, और अभी एक दो रील बनाएंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे जिसपा को। और भाई ये अटल टनल के पास ही साइड में है ब्यास नदी, ये देखो भाई। और ये सामने पुल है जो आगे हमने क्रॉस करके हमारा लेह वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, लेह मनाली हाईवे आगे सारा। पांडे लो सर, कैमरा स्टॉप है सर, अभी से नहीं होगा सर। सर प्लीज एक चांस दो सर, रिक्वेस्ट है सर। सर सर सुनो मेरी बात तो सुनो, सर मेरी बात तो सुनो एक बार, एक सेकंड सर। सर रिक्वेस्ट है सर, सर एक बात सुनो मेरी। मैं समझ गया सर, मेरी से गलती होगी सर, अब से नहीं होगी सर ऐसी गलती। कितने का चालान कटेगा सर? सर प्लीज सर आगे से सर, एक सर मिस्टेक होगी सर, मुझे पता नहीं था वो आगे, मुझे लगा यहाँ से ले सकते हैं, मुझे पता होता तो मैं नहीं लेता सर। मैं आप सर लो सर लाइसेंस ले लो सर, लाइसेंस ले लो सर, लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो सर। सर अभी वैसे कितने का चालान कटेगा? नहीं सर सर प्लीज सर रिक्वेस्ट आपसे। खत्म।